सभी को नमस्कार। आज हम जानेंगे कि निपुण हरियाणा मेंटर मॉनिटरिंग ऐप का उपयोग किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने टैबलेट में प्ले स्टोर ओपन कर लें। उसके बाद आप निपुण हरियाणा मेंटर ऐप सर्च कर लें। अब आप उसे इंस्टॉल करके ओपन कर लें। ऐप ओपन होने के बाद आपको आपका लॉगिन पेज कुछ इस तरह दिखेगा। अब लॉगिन करने के लिए आपको आपका यूजर नेम एंटर करना होगा। यूजर नेम भरते समय ध्यान दें कि शुरुआत, आखिर या बीच में स्पेस का उपयोग ना करें, और फिर डेट ऑफ बर्थ में आपको दिया गया पासवर्ड भरकर लॉगिन बटन पर क्लिक करें और लॉगिन कर लें। अब आप देख सकते हैं कि आपके ऐप का डैशबोर्ड पेज खुल चुका है। आपको डैशबोर्ड में कई ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जैसे कि आपको आपके स्कूल विजिट्स और क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस कंप्लीशन स्टेटस ऊपर दिखेंगे। इसके नीचे आपको आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टैट्स दिखाई देंगे, जैसे कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के मेंटर्स द्वारा किए गए क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टारगेट कंप्लीशन, यूनिक स्कूल विजिट्स और यूनिक स्कूल विजिट टारगेट कंप्लीशन की परसेंटेजेस दिखाई देंगी। आपको जो स्कूल विजिट्स का मंथली टारगेट मिला है वो आपको उस महीने में पूरा करना होगा। जैसे कि यहाँ आपको स्कूल विजिट्स टारगेट 3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको इस महीने में किन्हीं 3 स्कूल्स के लिए विजिट कंप्लीट करनी होगी। उसके साथ ही आपको ऑब्जर्वेशंस का टारगेट 6 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए 6 ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट करनी होगी। अब हम मॉनिटर स्टैट्स के बारे में जानते हैं। मॉनिटर स्टैट्स में आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के मेंटर्स द्वारा परफॉर्म किया गया स्टैट्स दिखाई देगा, जिसमें क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टारगेट कंप्लायंस, यूनिक स्कूल विजिट्स और यूनिक स्कूल विजिट्स टारगेट कंप्लायंस के परसेंटेजेस दिखाई देंगी। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, इसमें आपके मेंटर्स द्वारा कंप्लीटेड ऑब्जर्वेशंस परसेंटेज के रूप में दिखाई देंगी। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टारगेट कंप्लायंस, इससे आप जान सकते हैं कि आपके कितने मेंटर्स ने ऑब्जर्वेशन का टारगेट कंप्लीट किया है, जो कि आपको परसेंटेज के रूप में दिखाई देगा। यूनिक स्कूल विजिट्स, इसमें आपके मेंटर्स ने कितने यूनिक स्कूल्स में विजिट कंप्लीट किया है उसका परसेंटेज दिखाई देगा। यूनिक स्कूल विजिट टारगेट कंप्लायंस, इससे आप जान सकते हैं कि आपके कितने मेंटर्स ने यूनिक स्कूल विजिट्स का टारगेट कंप्लीट किया है, जो कि आपको परसेंटेज के रूप में दिखाई देगा। अब आप देख सकते हैं कि नीचे आपको क्रिएट शेड्यूल का टैब दिख रहा होगा। उस पर क्लिक करने पर आप जिस स्कूल में विजिट करना चाहते हैं उस स्कूल का शेड्यूल बना सकते हैं। अब हम शेड्यूल के बारे में विस्तार में जानेंगे। शेड्यूल बनाने के लिए आपको क्रिएट शेड्यूल बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद स्कूल सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट स्कूल में जाएं। अब यहाँ पर आपको स्कूल्स की लिस्ट दिखाई देगी। आप उस लिस्ट में से स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 5 अंकों तक का स्कूल कोड एंटर करके भी स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं। स्कूल सिलेक्ट करने के बाद जिस दिन आपको स्कूल विजिट करना है वो दिन सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करके शेड्यूल सेव कर लीजिए। अगर आप एक और नया शेड्यूल बनाना चाहते हैं तो सेव एंड एड अनदर पर क्लिक कर सकते हैं। जिस दिन का आपका शेड्यूल बना है आप उसी दिन स्कूल विजिट कर सकते हैं। शेड्यूल सिलेक्ट करने पर आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, स्टार्ट शेड्यूल और एडिट। स्टार्ट शेड्यूल पर क्लिक करने के बाद आप अपना शेड्यूल स्टार्ट कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करने पर आप शेड्यूल से जुड़ी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। स्टार्ट शेड्यूल पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। जिस स्कूल में आपको विजिट करना है उस स्कूल का नाम दिखाई देगा। पास्ट विजिट पर क्लिक करने पर आपको उस स्कूल में आपकी पास्ट विजिट्स दिखाई देंगी। विजिट शुरू करने के लिए आपको स्कूल की लोकेशन से स्कूल के साथ की फोटो क्लिक करनी होगी और यूज पिक्चर बटन पर क्लिक करके कंटिन्यू करना होगा। पिक्चर क्लिक करने के बाद आप सिलेक्ट क्लास एंड टीचर पर क्लिक करके उस स्कूल की क्लास, सेक्शन, टीचर और सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने क्लास, सेक्शन, टीचर और सब्जेक्ट चूज किया है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा,
जिसमें आपको बच्चों की अटेंडेंस मार्क करनी होगी। अटेंडेंस मार्क करने पर आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के नीचे दिए गए स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर आप टीचर और क्लासरूम की ऑब्जर्वेशन शुरू कर सकते हैं। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन पर क्लिक करने पर ऑब्जर्वेशन स्क्रीन दिखेगी, जिसमें आपको क्लासरूम टीचिंग और लर्निंग से संबंधित कुछ सवाल दिखेंगे। आपको उन सवालों के जवाब चुनने हैं। आपके जवाबों के आधार पर टीचर के लिए फीडबैक जनरेट होगा। इसी के साथ अगर आप अपनी ओर से कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज गिव योर फीडबैक पर क्लिक करके फीडबैक लिख सकते हैं। स्पॉट असेसमेंट, इसमें आपको कॉम्पिटेंसी लिस्ट दिखाई देगी। उस लिस्ट में से आप जिन कॉम्पिटेंसीज का टेस्ट लेना चाहते हैं उन कॉम्पिटेंसीज को सिलेक्ट करें और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब आपको बच्चों के नाम की लिस्ट दिखाई देगी। उसमें से आपको जिस बच्चे का स्पॉट असेसमेंट करना है उसे चुनें। बच्चों से आप दिए गए निर्देशों के अनुसार सवाल पूछें। बच्चे द्वारा बताए गए जवाब को या सही और गलत जैसा भी उत्तर बच्चे ने आपको दिया है उस ऑप्शन को चुनें। सारे सवालों के जवाब चुनने के बाद सबमिट पर क्लिक करके असेसमेंट सबमिट करें। एक बच्चे का असेसमेंट सबमिट करने के बाद दूसरे स्टूडेंट का असेसमेंट करने के लिए आपको अनदर असेसमेंट पर क्लिक करना होगा। विजिट एंड करने के लिए आपको कम से कम 5 स्टूडेंट्स की स्पॉट असेसमेंट करनी होगी। एंड विजिट बटन पर क्लिक करने पर आपकी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि विजिट एंड करने पर आपकी ऑब्जर्वेशन डिटेल्स खुल चुकी हैं, जिसमें आप उस क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की सारी जानकारी का रिव्यू देख सकते हैं। वापस जाकर आप इसी स्कूल विजिट में अगर और क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस कंडक्ट करना चाहते हैं तो दोबारा क्लास, सेक्शन, टीचर और सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट कर सकते हैं। उस स्कूल की सभी क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट करने के बाद आप उस स्कूल विजिट के एंड शेड्यूल बटन पर क्लिक कर सकते हैं। शेड्यूल एंड करने के बाद आपका डैशबोर्ड वापस खुल जाएगा। डैशबोर्ड में आपको बाईं ओर मेन्यू बटन दिखाई देगा, जिसमें डैशबोर्ड, प्रोफाइल, पास्ट विजिट लिस्ट, हेल्प डेस्क, सिंक विद MIS, सर्वे ऑप्शन और लॉग आउट सेक्शन दिखाई देंगे। प्रोफाइल पर क्लिक करने पर आपको आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी। पास्ट विजिट लिस्ट में आपको आपकी कंप्लीटेड और इनकम्प्लीटेड विजिट्स की लिस्ट दिखाई देगी। अब हम जानेंगे कि हेल्प डेस्क पर क्वेरी कैसे रेज कर सकते हैं। क्वेरी रेज करने के लिए आप ऊपर बाईं ओर दिए गए मेन्यू में जाकर हेल्प डेस्क को चुनें। इसमें ऊपर दाईं ओर दिए गए क्रिएट न्यू पर क्लिक करें। अब अपनी कैटेगरी और मोबाइल नंबर भरें और रिमार्क्स में अपनी क्वेरी बताएं और सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक करके इसे सबमिट कर दें। अब हम जानेंगे सिंक विद MIS के बारे में। अगर आपके स्कूल विजिट के दौरान आपको टीचर्स या स्टूडेंट्स का एक्चुअल नंबर आपके ऐप पर किसी कारणवश नहीं दिखाई दे रहा है तो आप उसको MIS पर दिए गए नंबर के साथ अपडेट कर सकते हैं। टीचर को MIS के साथ सिंक करने के लिए आपको जिस स्कूल के टीचर्स MIS के साथ सिंक कराने हैं उस स्कूल का UDIS कोड एंटर करें और सिंक टीचर बटन पर क्लिक करके सिंक कर लें। इसी तरह स्टूडेंट सिंक करने के लिए सिंक स्टूडेंट टैब में जाकर स्कूल का UDIS कोड एंटर करें और क्लास चुनकर सिंक स्टूडेंट बटन पर क्लिक करें। इस तरह से आप टीचर्स और स्टूडेंट्स का डाटा MIS के साथ सिंक कर सकते हैं। आप सर्वे ऑप्शन से विभाग द्वारा समय समय पर आपसे मांगी गई जानकारी को सबमिट कर पाएंगे। जैसे ही विभाग द्वारा कोई जानकारी आपसे मांगी जाएगी वो आपको सर्वे ऑप्शन में दिखने लगेगी। इसी तरह निपुण हरियाणा मेंटर मॉनिटर ऐप के उपयोग से आप अपने जिले और ब्लॉक के विद्यार्थियों का प्रवेक्षण और निपुण हरियाणा मिशन में अपने जिले व ब्लॉक की प्रगति की जांच कर पाएंगे।